प्रणाम, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। आप लोगों से आज एक बहुत ही आसान तरीके से मंगल ग्रह की एनर्जीज को आप अपने लिए कैसे प्रतिकूल बना सकते हैं उस पर चर्चा करूंगी, और ये चर्चा हर एक के लिए बहुत आसान रहेगी अप्लाई करनी अपने जीवन के अंदर। क्योंकि जीवन में मंगल ग्रह की सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर मंगल ग्रह की ऊर्जाओं का। मंगल ग्रह हमारे जन्म पत्री के अंदर पहले और आठवें घर का नेतृत्व करता है, यानी कि पहले और आठवें घर को काल पुरुष में मंगल ग्रह को दिया गया है। क्योंकि हम लोगों का जो बल है और हम लोगों का जो शौर्य है, पराक्रम है, और हमारे अंदर जो ब्लड है वो तनु भाव से देखा जाता है, हमारा जो साहस है वही जीवन में निर्धारित करता है कि हम किस मुकाम तक अपने आप को खींच के ले जा पाएंगे, किस तरह से हम अपने जीवन के संघर्ष को से हर्ष सफलताओं में परिवर्तित करने की पराकाष्ठा लेके पैदा हुए हैं। और इसके अलावा जीवन के अंदर जो भी हमारे ब्लड से जुड़े हुए रिश्ते हैं उनको भी मंगल ही दर्शाता है, यानी कि हमारे भाइयों के साथ संबंधों की बुनियाद भी मंगल ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है, और साथ में निर्भर करता है हमारा प्रॉपर्टीज का सुख, यानी कि हम किस तरह के घर को आकर्षित करने वाले हैं, किस तरह के घर में हम पूरा जीवन यापन करने वाले हैं, ये सब निर्धारित करता है मंगल ग्रह। और इसके अलावा इनहेरिटेंस, ससुराल से हमारे संबंध, जीवन के अंदर आकस्मिक धनों की प्राप्ति, ये सब चीजें भी मंगल के अधीन होती हैं। और साथ में अचानक होने वाली दुर्घटनाएं और अच्छी घटनाएं, यानी कि मंगल कार्य, ये सब मंगल जो ग्रह है यही प्रतिनिधित्व करता है। और अगर मंगल ग्रह अकेला एक ऐसा ग्रह है जिसे अगर हमने अपने लिए अनुकूल बना लिया कुछ एक नियमों के द्वारा, तो हम जीवन में सफलता के आयाम बहुत आसानी से छू सकते हैं। सबसे पहले ये देखना होता है कि मंगल ग्रह को सपोर्ट करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य, गुरु और चंद्र तीन ग्रह हैं जो मंगल की एनर्जीज को बैलेंस आउट करने में हमारी मदद करते हैं। और सूर्य भगवान के लिए हमें अगर जल्दी उठ के जल देने का नियम बनाना हो तो हमें बना लेना चाहिए। इस नियम से हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय हम गायत्री का भी उच्चारण करेंगे तो गायत्री हमारे ऊर्जाओं का संशोधन करती है, यानी कि क्लींस करती है हमारी ऊर्जाओं को। तो एक तरह से मंगल जो है वो प्योरीफाई होता है। मंगल हमारा इस क्रिया के बाद से अपने आप सुदृढ़ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें सेकंड जो रेमेडी करनी है वो ये करनी है कि गुरु की एनर्जीज को इसमें और चंद्रमा की एनर्जी को अपने प्रभाव में लेके आना है, अपने ऑरा के लिए सम्मिलित करना है। तो उसको करने के लिए हमें दूध में केसर डाल के दूध पीना चाहिए। अगर हम ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो हमें केसर का तिलक लगाना चाहिए, और साथ में चंद्रमा की एनर्जीज के लिए हमें चांदी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए। तो ये तीन तरह से हम सूर्य, गुरु और चंद्र की एनर्जीज को अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपने आभा मंडल के साथ कैरी करने से मंगल को सुदृढ़ करके अपने जीवन में वो सब चीजों को शामिल कर सकते हैं जो मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर हमारे डीएनए में नहीं है कि हम कोई नियम कॉन्टिन्यूशन में कर सके तो हमें क्या करना चाहिए? आप सब लोगों के लिए जो किसी भी नियम की जो पालना है वो नहीं कर सकते हैं, वो असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को, तो उन्हें तीन धातु, यानी कि सूर्य की धातु कॉपर, गुरु की धातु गोल्ड और चंद्र की धातु सिल्वर, तीनों का इक्वल जो है प्रोपोर्शन में प्रयोग करके एक छल्ला बनवा लेना चाहिए। और इस छल्ले को आपको राइट हैंड रिंग फिंगर में धारण करना होता है संडे, थर्सडे या मंडे को शुक्ल पक्ष में। ये धारण करने से भी आप मंगल की एनर्जीज को सपोर्ट दे देंगे और मंगल आपके लिए अनुकूल कार्य करना शुरू कर देंगे। आपके घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य बिना अवरोध के होने शुरू हो जाएंगे, और आप महसूस करेंगे अपने जीवन के अंदर खुशियां, एक बदलाव और एक साहस और पराक्रम की जो जरूरत आप महसूस कर रहे थे जीवन में संघर्ष को आसानी से निपटाने के लिए, वो आप में आ जाएगा, वो आप में बन जाएगा। तो जरूर मंगल ग्रह के एनर्जीज को ठीक कीजिए। और मंगल ग्रह के लिए एक और बहुत जरूरी चीज होती है, वो होती है कि हमें अपने आप के ऊपर वर्क करना है, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना है, उसे आप जरूर सुधारिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।